हाय व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो सीन ये है आज का कि यार काफ़ी मतलब कि देर बाद मेरी वीडियो आ जाई है, आई थिंक 3 हफ्तों बाद आई है। तो इस सारे के पीछे मतलब क्या रीज़न थी, या 3 हफ्तों बाद नहीं मतलब एक शायद मंथ हो गया है तो इसके बाद आई है, तो मेरे सारे व्यूवर्स वगैरह भाग गए होंगे। तो काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा भी था कि यार कहाँ पे गायब है, तो आज मैं उन सबको उसकी रीज़न बता दूंगा। लेकिन उससे पहले कि यार जहाँ पे मैं रहता हूँ मतलब बाराको के अंदर इस्लामाबाद में, यहाँ से मतलब कुछ ही देर पहले यहाँ पे शिफ्ट हूँ, और इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताऊँगा कि इस्लामाबाद में ये मतलब जगह कैसी है, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर। तो उससे पहले कि आपको रीज़न बताऊँ एंड वाले, सबसे पहले 2 दिन काम है साथ वो कर लेते हैं, और साथ आपको थोड़ा सा बाराको मैं घुमा देता हूँ, दिखाता हूँ कि यहाँ पे मतलब कि अभी सबसे पहले पानी लेने जाता हूँ, पानी लेने के बाद आता हूँ, तो फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि क्या रीज़न थी। तो सामने बच्चे जो है वो मुझे देख ही जा रहे हैं कि यार बंदा पागल हो गया, लेकिन खैर तो चलते हैं, सबसे पहले पानी लेते हैं और बाकी बातें रस्ते में करते रहूँगा, ठीक है, अरे करता रहूँगा। देख सकते हैं कि आपने कि आपके भाई ने जो है वो कपड़े चेंज कर लिए, मतलब वो सीन है कि मैन ब्लैक बन गया, ब्लैक जैकेट, ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट और ब्राउन शूज, ये चक्कर ये चक्कर। तो मैं वैसे कभी ड्रेस पैंट पहन, हाँ बाकी सीन ये है कि मैं ये बता रहा था कि यार वो मेरे माइक में थोड़ा सा माइक सब कुछ ही ख़राब हो रहे हैं, तो माइक में थोड़ा मसला आ गया, तो इस वजह से वो वाली से सही आ रही, तो मैं ये बता रहा था। तो अभी फिल्टर पे चलते हैं, ये चेक कीजिएगा कि कितनी दूर से हम पानी लेके आते हैं फिल्टर से, और उसका ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये था कि मेन फोकस मैंने इस चीज़ पे किया था कि आपको उसका व्यू दिखाऊंगा कि वहाँ का व्यू कैसा है जहाँ से हम पानी लेके आते हैं, भी थोड़ा सा दूर, और व्यू आप चेक कीजिएगा यार, ज़बरदस्त किस्म का व्यू दिखने वाला है अभी आपको, और आप हैरान हो जाएंगे यार बस दूर आते हैं, लेकिन ना जब भी मैं वहाँ पर जाता हूँ वहाँ पर जाकर पैसे पूरे हो जाते हैं, आपके पैसे पूरे हो जाएंगे मतलब। तो अभी चलते हैं जाके देखते हैं कि क्या रास्ता है वहाँ पे, तो चलते हैं। सबसे पहले माइकल को बुला लें, माइकल 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 चल निकल, सुनाई नहीं दे रहा। ये देखें जी, यहाँ से तकरीबन जहाँ से हम घर से आए हैं ना, घर से हमें यहाँ पे आते आते 5 से 7 किलोमीटर का रास्ता था जहाँ पे हम लोग आए हैं, और यहाँ पे ये जनाब जी जगह है जहाँ पे हम पानी भर, और जो व्यू मैंने आपको दिखाना था ना वो मैं कहता हूँ बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का। लेकिन आज सीन भला क्या है, वहाँ पे जो है वो ये था व्यू, लेकिन अभी मुझे लगता है हम लोग जल्दी आ गए, क्योंकि सूरज उस टाइम जब मैं आता हूँ ना अक्सर तब उस टाइम ढल रहा होता है, मतलब गरूब हो रहा होता है, तो ये पहाड़ जो है वो बड़े मतलब क्लियर किस्म के नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन आज जो है वो बादल है, क्लाउडी थोड़ा सा वेदर है ना जिसकी वजह से, लेकिन यार इतने मज़े का मौसम है ना, मुझे वैसे ही ऑटो वाला मौसम जो है बड़ा पसंद है। तो अभी सीन ये है कि यहाँ से वो व्यू था, लेकिन खैर किसी दिन आपको मैं वो व्यू जो है वो ज़रूर दिखाऊंगा, मतलब जिस दिन बारिश होगी ना क्लियर वेदर होगा उस दिन। बाकी अभी सूरज सर्दियों का सीन है, तो अभी सूरज जो है वो इतना जल्दी, मैंने सोचा था यार तब तक नज़र आएगा, लेकिन क्लाउडी वेदर है कोई इतना खास समय नहीं। और ये हमारी बाइक जो दूर दूर सफ़र करती है बहुत बहुत दूर, इसकी भी थोड़ी हालत का नाजुक हुई है, लेकिन करवाएँगे इसकी हालत को ठीक। और ये जनाब जी पानी भरते हुए, तो हम लोग जो है फिर अभी यहाँ पे पहुँचे हैं, लेकिन वो जो व्यू आपको दिखाना चाह रहा था उसके लिए मैं माजरत पाऊँ आपसे, दिल से बहुत बहुत सॉरी। तो अभी जो है वो पानी भरते हैं, पानी भर के वो घर की तरफ चलते हैं। गाइस सीन ये है कि अभी आप देख सकते हैं कि हमने पानी शानी भर लिया, अभी हम वापसी की तरफ जाने लगे हैं, और ये बैग हमारा रेडी है, तो व्लॉगिंग के लिए भी जब मैं लेके जाता हूँ ये बैग लेके जाता हूँ, हर काम के लिए यही बैग लेके जाता हूँ, तो लेके चल रहा सी। अभी जो है वो वापस हम घर की तरफ जाएंगे, और जाके बाकी मैं साथ साथ आपको व्यू भी दिखाता हूँ। बस ये आपको बारा को दिखाना था कि ये है, पर ज़रूरी ये नहीं होता कि मैं आपको हर वीडियो में हंसाऊं, ठीक है, और क्योंकि मैं जोकर नहीं हूँ। सारी उम्र मैं जोकर जब बड़े आ रहा तेरे पीछे, क्योंकि मैं जोकर नहीं हूँ जो मतलब हर वीडियो के अंदर आपको हंसाता रहूँ, और फिर मतलब कुछ लोगों को ये भी होते हैं जो मतलब हंसना नहीं पसंद होता, कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद है, तो मिक्स कॉन्टेंट वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो अभी ये है कि मैं आपको रीज़न बताने थी कि क्यों मतलब मैं एक माह से गया था, तो सीनियर यार मैं ना मतलब एक जॉब के देखना शुरू हो गया था कि यार चलो कोई जॉब वगैरह देते हैं, ठीक है, तो एक जॉब मुझे मिली, तो वहाँ भी मतलब बिज़ी हो गया, वो रात की थी,
नाइट शिफ्ट होती थी वहाँ पे, तो सुबह जो है वो सोया रहता था, जिसकी वजह से व्लॉगिंग करना बड़ा मुश्किल हो गया। तो बस यही सीन था, ये आपको बताना था कि लेकिन अभी वहाँ से मैंने जो वो रिज़ाइन कर दिया, तो अभी जो है वो फ्री, मतलब फ्री नहीं, अभी थोड़ा टेस्ट का मेरा सीन चल रहा है, तो वो 15 दिन बाद है टेस्ट, साथ साथ उसकी तैयारी कर रहा हूँ, साथ साथ मैंने कहा चलो आज लोगों को बता भी देता हूँ सारे, क्योंकि टाइम था मेरे पास, मैंने कहा चलो क्यों ना लोगों को बता दिया जाए कि यार मैं क्यों नहीं इतने दिन से व्लॉगिंग कर रहा। पानी वाली बोतल ऊपर लेके आया तो बस सांस ना फूली है, वैसे भी यहाँ का थोड़ा पहाड़ी एरिया जिसकी वजह से ना ऐसा मसला होता है। तो ये था वीडियो का एंड, उम्मीद करता हूँ आपने मुझे मिस किया होगा, अगर नहीं किया तो कोई मसला नहीं है। अभी जो है शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो पे मुझे पता है व्यूज़ थोड़े आएंगे, क्योंकि काफ़ी देर बाद वीडियो अपलोड कर रहा था, तो एक ज़रूर कोशिश कीजिएगा लाइक कीजिएगा, जिसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं कैमरा आगे लूँगा और उसके साथ मज़ीद जो है अच्छी वीडियोज किया करूँगा। और बाकी ये हो गया, और दूसरी बात ये शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वीडियोज़ पर व्यूज़ अच्छे आएंगे, तो मैं जो है वो फिर ज़्यादा मोटिवेट होकर जो है वीडियो शूट करूँगा। तो अभी मेरा बाजू भी थक गया, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप अपना ख्याल ज़रूर रखेंगे, सर्दियों से बचते रहिएगा, जैकेट शैकेट कोट कोट निकाल के ज़रूर पहनिएगा, और रज़ाई वगैरह या ब्लैंकेट वगैरह अपना ज़रूर पास रखिएगा, क्योंकि सर्दियों में खांसी वगैरह से जो वो बचना चाहिए, वरना हर बंदा समझेगा कोरोना है। तो उम्मीद करता हूँ आपने मेरी इन बातों से मतलब कुछ सीखा भी होगा, जेड़ा ये भी हवा जो पा के फिर देने उन्होंने मैं कह रहे हैं कि आवाज़ आई हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मिस किया कि नहीं किया। तो मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।